आप देख रहे हैं देवास का अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। भैया देखो इसका 15 दिन की प्रक्रिया रहती है। आप उससे निश्चिंत रहो, जो भी इससे अतिरिक्त भी जो होगी वो शासन से प्रशासन से माननीय मुख्यमंत्री जी से सांसद महोदय से अपन उसके लिए भी अनुरोध करें। वो इस परिवार के साथ सब लोग हैं। आप सिर्फ एक समाज का मामला नहीं है, हम सब लोग पूरे परिवार के साथ खड़े हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं ये चाहता हूँ आपसे, अभी तो वही चाह रहा है। अरे पाला बचा, मेरी बात सुनो, सरकारी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी से समाज के 4-5 लोग अपन चलेंगे साथ में, और मुख्यमंत्री जी से मां कितनी उम्र है उसकी, अपन कोशिश करेंगे उसको कहीं भी जो है वो साथ की नौकरी वगैरह कुछ भी मिल जाए। ठीक है, उस मामले में सब लोग साथ में, और जो भी अच्छे से अच्छा होगा उसके लिए सब मिलकर करेंगे। ठीक है, मेरी बात सुनो, आज अपन अपनी पूरी समाज कर आज खाते गांव के रहने वाले राजेश राठौर अपनी पत्नी सुनीता और अपनी 15 वर्ष की बालिका के साथ महाशिवरात्रि पर्व पर वो नेमावर स्नान के लिए जा रहे थे। तो वो नेमावर से 2 किलोमीटर पहले रामनगर पर उसकी मोटरसाइकिल कर एक एसयूवी कार ने से उसकी एक्सीडेंट हो गई थी। इसमें माता पिता तो जब उनको खाते गांव लाया गया तो उनकी डेथ हो गई थी। बिटिया उनकी हरदा अस्पताल में थी, उसी ने ये सूचना दी थी। फिर वो उनकी उस 15 वर्ष की बिटिया का भी देहांत हो गया था। इस पर अब थाना खातेगांव में अपराध दर्ज कर लिया गया है, गाड़ी जब्त कर लिया गया है। स्थानीय विधायक माननीय आशीष शर्मा जी के द्वारा मृतक तीनों मृतक परिवारों को 2-2 लाख रुपए आर्थिक सहायता की घोषणा भी की गई है, और विवेचना कर हम उसमें जो भी आवश्यक कार्रवाई और जो क्लेम प्रक्रिया है वो पूरी करेंगे।